कल हमने टीचिंग मेथोडोलॉजीज पे बात की थी और आज जो है क्लासरूम मैनेजमेंट पे बात होगी कि ये किसे कहते हैं या क्लासरूम को किस तरह से मैनेज किया जाता है। जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे सामने आज के दिन के लिए कि एक तो क्लासरूम मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझना है कि क्लासरूम मैनेजमेंट कहते किसे हैं। दूसरा जो बेसिक स्किल्स एक टीचर के लिए हैं सो उनको देखेंगे कि कौन कौन से स्किल्स हैं। एक प्लस है टैलेंट और एक है स्किल। टैलेंट और स्किल के बीच में जो मेन डिफरेंस है कि टैलेंट्स या टैलेंट इज नेचुरल और स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड या लर्न। स्किल्स को हम लर्न कर सकते हैं जबकि टैलेंट जो है वो नेचुरल होता है। तो मतलब ये कि बीइंग अ टीचर इफ यू डोंट हैव दीज स्किल्स यू कैन एक्वायर देम थ्रू प्रैक्टिस। सो वो चीजें जो आप प्रैक्टिस के जरिए अपने अंदर स्किल्स जो है एबिलिटीज बढ़ा सकते हैं तो उन पर बात होगी कि वो कौन कौन से स्किल्स हैं एक टीचर के लिए जो बुनियादी अहमियत रखते हैं। नंबर थ्री टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज पे बात होगी। डिफरेंट टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे और कल जो बात हुई थी टीचिंग मेथडोलॉजी पे जो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स थे तो आज आपको ये भी फर्क पता चल जाएगा कि मेथड्स और स्ट्रेटजीज के बीच में डिफरेंस क्या है। और जब हम स्किल्स पे बात करेंगे तो वहां पर इवन टेक्निक्स भी बात होगी। सो आज के दिन में आप लोगों को ये भी क्लैरिटी आ जाएगी कि मेथड्स स्ट्रेटजीज और टेक्निक के बीच में डिफरेंस क्या है। क्लासरूम जनरल डिफिनेशन इसकी अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रेगुलरली मीटिंग टू स्टडी अ सब्जेक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर। सो इट्स अ कॉमन डिफिनेशन ऑफ द क्लासरूम। अब मैनेजमेंट किसे कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं द आर्ट ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब आप इस डिफिनेशन की तरफ देखें तो अगर आपने एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वगैरह पढ़ा हो या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सो वहां पर मैनेजमेंट की सेम डिफिनीशन है यानी द आर्ट ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग और कंट्रोलिंग ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। अब क्लासरूम मैनेजमेंट में ये अल्फाज कैसे फिट होंगे या इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी या क्लासरूम मैनेजमेंट को किस तरह से लिंक करेंगे हम इन फोर अल्फाज के साथ। सो लेट्स सी कि हाउ टू लिंक देम टुगेदर और क्लासरूम मैनेजमेंट की डिफिनीशन यहाँ से हम कैसे निकालते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द आर्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग हमेशा किसी भी एक्टिविटी से पहले की जाती है। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके लिए प्लानिंग की जाती है। अब क्लासरूम के लिए जो प्लानिंग है अगर आप बीइंग अ टीचर सोच दें तो क्लासरूम के लिए जब आप प्लानिंग करते हैं तो एक तो लेसन प्लान बनाते हैं दैट इज बिफोर स्टार्टिंग द लेसन या द सेशन। नंबर टू उसके लिए आप तैयारी करते हैं जो भी आपने कंटेंट पढ़ाना हो जो भी पैराग्राफ वगैरह पढ़ाना हो तो उसको आप क्लैरिटी लिए के लिए उसको खुद पढ़ते हैं दैट इज पार्ट ऑफ द प्लानिंग। फिर आप उनके लिए असेसमेंट क्वेश्चंस वगैरह डेवलप करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बच्चों से मैं करूंगा दैट इज पार्ट ऑफ द प्लानिंग। फिर अगर कोई एक्टिविटीज वगैरह आप क्लासरूम के लिए करते हैं तो एडवांस में आप प्लान करते हैं कि ये फला फला एक्टिविटीज में करूंगा या करूंगी दैट इज पार्ट ऑफ द प्लानिंग आल्सो। इस तरह से कौन सा होमवर्क मैं दूंगा या दूंगी दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्लानिंग। सो क्लासरूम के लिए जो प्री क्लासरूम एक्टिविटीज आप प्लान एंड डिजाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड द प्लानिंग स्टेज। सो क्लासरूम मैनेजमेंट का पहला जो एलिमेंट है दैट इज द प्लानिंग इन दैट सेंस which I have already given you details about. Number two, organizing. अब आपने planning तो कर ली, planning में आपने जो तैयारी की थी lesson वगैरह जो आपने खुद clarity के लिए उसको पढ़ा था या activities वगैरह आपने plan कर ली कि फना फना activities को मैं carry out करूंगा या करूंगी या assessment के कुछ questions वगैरह हैं ये मैं करूंगी या homework वगैरह दूंगी या दूंगा लेकिन हाउ टू डू देम इन अ प्रॉपर एंड लॉजिकल वे दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। क्लासरूम एक्टिविटीज को तरतीब से रखना दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन? व्हेन आई एंटर द क्लास आई विल डू दीज एक्टिविटीज फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग देन आई विल
give explanation about this topic. Then I will ask questions about the topic. Then there will be some practice on part of the students. Then I will do some assessments also, and then assign the homework. अब जो भी आपने प्लानिंग स्टेज पर एक्टिविटीज डिजाइन की थी तो उनको तरतीब से रखना कि कौन कौन सी एक्टिविटी कब मैं करूंगा या करूंगी, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। अब प्लानिंग भी आपने कर ली, ऑर्गेनाइजिंग भी आपने कर ली कि कौन कौन सी एक्टिविटी कब आएगी, क्योंकि प्लानिंग के स्टेज पर बहुत सी एक्टिविटीज थी आपके पास। अब द थर्ड स्टेज इज और द थर्ड स्टेप इज control leading. Whatever happening in the classroom, you will be responsible for to lead from the front. Yani bachchon ko jo bhi problem aata hai to aapki taraf dekhenge, ya classroom ke mutalliq, even agar being a classroom teacher koi bhi issue arise hota hai to even the principal sahab will be looking at you to lead from there. बच्चे जो भी हरकत करें, जो भी अमल करें, फॉर देयर पर्पस यू विल बी द पर्सन टू लीड देम। लीडिंग मीन के उनके आपने मसाइल को हल भी करना है, सॉल्व भी करना है। सो क्लासरूम के लिए आपने प्लानिंग, दैट इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। देन चीजों को तरतीब से करना, क्या क्या एक्टिविटी में करूंगी। ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, व्हाट एवर हैपनिंग इन द क्लासरूम यू विल बी द पर्सन टू लीड, यू विल हैव टू फाइंड आउट a solution to the problems. And controlling, whatever happening in the classroom, you will be responsible to keep under control each and everything. Har ek cheez ko apne classroom ke control mein rakhna hai, chahe wo human resources ho, chahe other resources ho, chahe aviators ho, chahe unka istemal ho activities ke liye, aap koi guidance wagaira dete hain, instructions wagaira dete hain, या कोई मिसबिहेव वगैरह क्लासरूम के अंदर, व्हाट एवर हैपनिंग ओवर देयर, यू विल हैव टू कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल। सो इफ यू डू ऑल दीज फोर थिंग्स, योर क्लासरूम विल बी प्रॉपरली मैनेज्ड। अब क्लासरूम मैनेजमेंट की डिफिनेशन को क्या हो गई, कि क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स दैट वी शुड बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास, वी शुड डिजाइन एक्टिविटीज इन एन ऑर्डरली वे, and then carry out or conduct the activities accordingly, and rather than looking at others to lead the class, you will have to lead them from the front, and you will have to keep each and everything under control. So agar aap in char cheezon pe amal kare to aapka classroom puri tarah manage hoga, you will be properly managing the classroom. Ab classroom management ke to ye chalo, it's the definition. Ab how to do these things effectively, planning kis tarah se effectively, organizing kis tarah se effectively, leading kis tarah se control hai, aur controlling ko kis tarah se effectively karna hai, for that purpose you need few skills. Thank you. Agar aap effective teacher banna chahte, ek hai efficient teacher aur ek hai effective teacher. एफिशिएंसी कहते हैं कि आपको जो टास्क दिया गया है तो मतलब टाइम के अंदर वो एक्टिविटीज आप कंप्लीट कर दे, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस इसे कहते हैं कि जो टारगेट्स आपको मिले थे तो उन टारगेट्स से नहीं थे, बल्कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी, कुछ आउटकम्स भी आपको मिले थे जिनको अचीव करना था। सो ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस कहलाती है, और टाइम के अगेंस्ट एक्टिविटीज को करना, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। सो अगर आप चाहते हैं कि बेहतर अंदाज में कर लूँ और मेरे आउटकम्स, student learning outcomes if you remember, wo bhi achieve ho jaye, so you need these four skills. Now what are those four skills? These are the four skills: technical skills, conceptual skills, human skills, and jis tarah ke Saima Pawar ne kaha, communication skills. Ab जो आप लोगों ने इजाफी बातें बता दी वो इन्ही के अंदर है। आपने जो टाइम मैनेजमेंट वगैरह की बात कर ली, वो सारे की सारे इन्ही के अंदर चीजें आ रही है। किस तरह से आ रही है? नाउ लुक एट देम, व्हाट आर, व्हाट इज मेंट बाय टेक्निकल स्किल्स, व्हाट इज मेंट बाय कंसेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स किसे कहते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स किसे कहते हैं। टेक्निकल स्किल्स, और फिर हम आखिर में देखेंगे कि जब आप टेक्निकली साउंड होते हैं या हो तो इसका क्या फायदा, जब कंसेप्चुअली
या कंसेप्चुअल स्किल्स आपके होते हैं, कंसेप्चुअली क्लियर होते हैं, इसका क्या फायदा, जब ह्यूमन स्किल होते हैं इसका क्या फायदा होगा, और जो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होंगी तो इसका फायदा क्या होगा। टेक्निकल स्किल्स, हर एक प्रोफेशन की अपनी टेक्निकलिटीज होती हैं, हर एक प्रोफेशन की अपनी टेक्निकलिटीज होती हैं। मिसाल के तौर पर अब लेसन प्लान का डेवलप करना, मोस्टली जहां पर भी सेशंस के लिए लोग जाते हैं तो देयर फर्स्ट आस्क यू एंड आस्क मी दैट व्हाट इज अ लेसन प्लान, उसका फॉर्मेट बता दें, उसका डिजाइन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स कहाँ पे लिखने होते हैं, एवियट्स कहाँ पे लिखने होते हैं, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करनी है, वगैरह वगैरह। सो लेसन प्लान के डेवलपमेंट, इट्स अ टेक्निकल थिंग, इफ यू डोंट नो द टेक्निकलिटीज यू विल नेवर बी एबल टू डेवलप अ लेसन प्लान। इस तरह करिकुलम डॉक्यूमेंट को पहली दफा आप लोगों ने शायद देखा हो, रियल करिकुलम डॉक्यूमेंट को, सो उसको समझना, उसके अंदर सिलेबस को समझना, उसके अंदर बेंचमार्क्स को समझना, फिर सिर्फ सिलेबस को समझना नहीं बल्कि उनको वर्डिंग को समझना, उनसे क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके बेस पर आइटम्स किस तरह से बनते हैं, वगैरह वगैरह। सो ऑल दीज आर टेक्निकल थिंग्स। सो टेक्निकल स्किल्स आर लेसन प्लान का डेवलप करना। फोर पीस का लफ्ज मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, फोर पीस यानी पी 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 पी, पी वन प्रिपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर प्रैक्टिस एंड फिर प्रोडक्शन। दोबारा मैं बता दूं, प्रिपरेशन पी वन, प्रेजेंटेशन पी टू, पी थ्री दैट इज प्रैक्टिस, और पी फोर इज प्रोडक्शन। यानी पहले लेसन प्लान के लिए तैयारी करनी होती है, या जब पढ़ाते हैं तो उसके लिए तैयारी करनी होती है, दैट इज प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, फिर आपने उसको प्रेजेंट किस तरह करना है, टीच किस तरह से करना है, टू और यानी उसके अंदर टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह आ जाती है, जो पी थ्री है प्रैक्टिस, तो एक्टिविटीज हैं कि एक्टिविटीज आपने किस तरह से करनी है, और प्रोडक्शन से मुराद है कि असेसमेंट के क्वेश्चंस आप लोगों ने किस तरह से करने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपने पढ़ाया वो हासिल भी कर लिया कि नहीं हासिल कर लिया। सो दैट इज कॉल्ड फोर पीस। अब करिकुलम किसे कहते हैं, दिस आल्सो यू आर क्लियर अबाउट, इस सिलेबस के मुताबिक आप क्लियर हैं। जो लेसन प्लान है इस पे एक कंप्लीट सेशन होगा, उसमें डिटेल्स के साथ ये फोर पीस के अलावा मजीद चीजों को भी डिस्कस करेंगे। अपने अपने सब्जेक्ट्स के मेथड्स को समझना, दैट इज आल्सो टेक्निकल। इंग्लिश के लिए डायरेक्ट मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ऑडियो लैंग्वेज मेथड है, वगैरह वगैरह। इसी तरह से मैथमेटिक्स के लिए अलग से एनालिटिकल है, और जो साइंस के लिए है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, जिस तरह की कल बात हुई थी। सो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। कल हम डिटेल के साथ सारे के सारे मेथड्स को पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन से मेथड्स ज्यादा यूजफुल रहेंगे। सो यू मस्ट नो कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। हर एक मेथड हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, कल आपने खुद भी देखा था। टीचिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज, मेथड्स आर द जनरली और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, कल हमने इसकी डिफिनेशन की थी। Strategies are the plans or the action plans or the planning to be carried out during a session. These are the different plannings or activities designed for a session which are used during a method. Ab which are used during a method, ye kis tarah se jab hum teaching strategies pe jayenge wahan par jab discussion hogi to ye aapko mazid clear hoga कि मेथड के अंदर फिर स्ट्रेटजीज होते हैं, मेथड्स के अंदर स्ट्रेटजीज होती हैं। ओके, लेट मी रिपीट, मेथड्स आर द जनरली और यूनिवर्सली, एक चैट बॉक्स में शबनम सेड इट शुड बी रिपीटेड, मेथड्स यू आर ऑलरेडी क्लियर अबाउट, जो डिफरेंट हमने कल टीचिंग मेथड्स पढ़े थे, दे आर द एक्सेप्टेड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स और द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू डू समथिंग or the accepted procedures to do something. मिसाल के तौर पर लेक्चर मेथड था तो उसको हमने डिटेल के साथ उसकी मेथोडोलॉजी डिस्कस कर ली। अब स्ट्रेटजीज क्या है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, जब हम टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज भी जाएंगे तो वहां पे जो डिस्कशन हो जाएगी वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि मेथड्स और स्ट्रेटजीज के बीच में डिफरेंस क्या है। असल में स्ट्रेटजीज आर द एक्टिविटीज, आर द प्लान्ड एक्टिविटीज। प्लान्ड एक्टिविटीज इस वजह से कि मेथड ये था, मिसाल के तौर पर मेथड ये था कि डिस्कशन चले, लेक्चर मेथड था, लेक्चर मेथड था, लेकिन उसके लिए आपने स्ट्रेटजी ये बना ली
कि 5-10 मिनट के बाद मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा या करूंगी. सो 5-10 मिनट के बाद जो आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, दैट इज अ स्ट्रेटेजी. लेक्चर मेथड वो ओवरऑल मेथड था, 5-10 मिनट के बाद मैं लाजमन क्वेश्चन आंसर करूंगा या करूंगी. सो दोस क्वेश्चन आंसर आर द स्ट्रेटेजीज. नाउ हाउ विल आई डू दोस थिंग्स, दे आर कॉल्ड द टेक्निक्स. टेक्निक्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर एक बंदे के टेक्निक्स दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. यानी अगर आप एक और एग्जाम्पल को देख लें, जो क्रिकेटर्स होते हैं तो हर एक बैट्समैन के बैट को पकड़ने का अंदाज मुख्तलिफ होता है. हर एक के टेक्निक्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. इसी तरह से एक प्रेजेंटर आपके पास आ जाता है, अगर आपने ट्रेनिंग सेशंस वगैरह ली हो, तो सब के सब प्रेजेंटेशन देते हैं. सो मेथड इज द सेम, सब के सब के सामने प्रेजेंटेशन होती है, पीपीटीज होते हैं. अब मेथड इज द सेम, द यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड वे. अब बास टीचर्स आधे घंटे बाद सवालात करते हैं, बास बिल्कुल सवालात नहीं करते, बास एंड में सवालात करते हैं, बास 2 मिनट के बाद सवालात करते हैं. सो दीज आर द स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय दैट प्रेजेंटर. लेकिन मैं सवाल करूं तो मेरे सवाल करने का अंदाज मुख्तलिफ होगा, दूसरे बंदा जो सवाल करे सवाल करने का अंदाज मुख्तलिफ होगा. सेम अल्फाज आप पूछे तो एक अंदाज में पूछेंगे, मैं पूछूं दूसरे अंदाज में पूछता हूं. सो दे आर कॉल्ड द टेक्निक्स. इस स्टेज पर इतनी डिफिनेशन काफी है. जब हम टीचिंग स्ट्रेटजीज पे जाएंगे, उनको जब समझेंगे, फिर आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी कि मेथड्स और स्ट्रेटजीज के बीच में डिफरेंस क्या है. टेक्निक्स आर द इंडिविजुअल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. हर बंदे का अपना अपना अंदाज होता है और टेक्निक्स आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्किल्स. जिन्होंने हमें लेटर ज्वाइन किया तो उनके लिए मैं दोबारा बता दूं, स्किल्स आर द एक्वायर्ड वन आर द लर्न्ड वन. The learned abilities are the acquired abilities are called the skills. और जो natural abilities होती हैं तो उनको कहते हैं talent. Talent is the natural ability and skill is the learned or acquired ability. इस स्टेज पे इतना ही काफी है. जब स्टेटीज पे जाएंगे फिर ये मजीद क्वेरिटी आ जाएगी. Okay. सोल्यूशन प्लान का बनाना, करिकुलम का को समझना, इसे लोस का समझना, मेथड्स का समझना, टीचिंग टेक्निक्स किस तरह से, हाउ टू इमिटेट, हाउ टू डू लाइक अदर पीपल और डिफरेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल, दीज आर द टेक्निकल थिंग्स. इसके अलावा असेसमेंट टेक्निक्स. असेसमेंट टेक्निक्स क्या है? आइटम राइटिंग, सवाल किस तरह से बनाते हैं. जब आपको सवाल बनाने का तरीका नहीं आता तो आप 10 मिनट में 1 घंटे का पेपर बना सकते हैं आराम से. लेकिन इफ यू नो द टेक्निकलिटीज ऑफ हाउ टू डेवलप आइटम्स, जिस पे जो नेक्स्ट वीक है वो पूरा का पूरा हमारा आइटम राइटिंग पे है, जहां पर मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. सो इफ यू नो द टेक्निकलिटीज, बिलीव मी, यू विल नॉट बी एबल टू राइट अ सिंगल क्वेश्चन इन 10 मिनट्स. आप नहीं लिख सकते, क्योंकि यू विल लुक एट ऑल द क्वालिफिकेशंस ऑफ द आइटम्स देन. सो आइटम्स, आइटम से मुराद है क्वेश्चंस किस तरह से बनाते हैं, पेपर सेटिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह से डिफिकल्टी लेवल का ख्याल रखा जाता है, किस तरह से कॉग्निटिव लेवल का ख्याल रखा जाता है, किस तरह से परसेंटेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, रूब्रिक्स पेपर के लिए किस तरह से बनाए जाते हैं, रूब्रिक्स के लिए मार्क्स किस तरह से, हॉलिस्टिक एनालिटिकल रूब्रिक्स वगैरह क्या है, रूब्रिक के अल्फाज किस तरह से होते हैं, फिर आइटम वाइज एनालिसिस किस तरह से की जाती है. ऑल दीज थिंग्स आर टेक्निकल थिंग्स. Now you may be a bit confused ke what's the relationship between this technical skill and the classroom management. To jo hum 4 ke 4 skills padh lenge, wahan par main aapko bata dunga ki what is importance of these technical skills for a teacher. So these are the technical skills a teacher must. Acha yahan pe dekhen. So already methods, methodologies, strategies ye kal aaj ke din mein complete kar lenge hum. Curriculum syllabus ko already hum complete kar cover kar chuke hain. लेसन प्लान आने वाले सेशंस में और असेसमेंट टेक्निक्स नेक्स्ट वीक में. सो यू विल बिकम टेक्निकली वेरी मच स्किलफुल आफ्टर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप और कोर्स. अब कंसेप्चुअल स्किल्स. टीचर के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कंसेप्चुअल स्किल. कंसेप्ट कहते हैं एन इमेज फॉर्म्ड इन माइंड. आपके जहन में किसी भी चीज के लिए जो तस्वीर बनती है, जो खाका बनता है, उसको कहते हैं कंसेप्ट.
क्लासरूम में आप एंटर नहीं हुए बिलीव मी, लेकिन पहले से आपके जहन में एक खाका बनता है कि मैं क्लासरूम में एंटर भी हो गया, वहां पे ये सवाल मुझसे हो रहे हैं, मैं इस तरह से जवाब दे रहा हूँ वगैरह वगैरह। सो ये जो एडवांस में आपके जहन में तस्वीर बनती है किसी भी सिचुएशन के लिए, इसको आइडिया कहते हैं। एन इमेज फॉर्म्ड इन माइंड इज कॉल्ड आइडिया, और इस आइडिया या इस पिक्चर की क्लैरिटी को कहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो अगर आप कोई लेसन वगैरह पढ़ा रहे हैं तो अपने आप से कुछ सवालात कर लीजिएगा कि आया मैं इस लेसन के मुताबिक क्लियर हूं कि नहीं हूं। जो कल हमने बातें की थी, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं कि नहीं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं कि नहीं, नंबर वन। नंबर टू, जो एक्टिविटीज आप डिजाइन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आर यू श्योर यू विल डू दीज थिंग्स और नॉट? इफ यू योरसेल्फ आर नॉट श्योर, देन डोंट गो विद देम। एक और इसकी एग्जांपल कि आपने कोई मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है जो आपने बच्चों को बोर्ड पे करवाना है, एंड यू योरसेल्फ नो के तीन चार पांच स्टेप्स करने के बाद जो चट्टे या सातवें पे पहुंचूंगा या पहुंचूंगी तो शायद मैं भूल जाऊं कि ये इस यहाँ पे फिर क्या करना है, शायद वो स्टेप्स में भूल जाऊं। इट मीन्स कि यू आर नॉट कंसेप्चुअली क्लियर। लेकिन तीन चार दफा जब आप उसी सवाल की घर में प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप बोर्ड पे लिखेंगे और यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन कंप्लीटली रादर देन बीइंग कंफ्यूज। जहां पर आप कंफ्यूज रहे, समझ जाए कि यू आर नॉट कंसेप्चुअली क्लियर। इस तरह अगर कोई पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं उसके अंदर कुछ अल्फाज हैं जिनके मीनिंग्स के मुतालिक या इनके इंटरप्रिटेशन के मुतालिक यू आर नॉट क्लियर, इट मीन्स दैट यू आर नॉट कंसेप्चुअली क्लियर, तो बेहतर बात यह है कि उन अल्फाज को, उन कंसेप्ट को क्लियर कर ले बिफोर एंटरिंग द क्लास। सो क्लास में दाखिल होने से पहले अपने माइंड के पिक्चर को कंप्लीटली क्लियर कर ले, दैट इज कॉल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब इसका जो आसान तरीका है किस तरह से अपने आप को आप कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो, चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो, चाहे प्रेजेंटेशन के लिए हो, जिस फोरम पर भी हो, तो आप जिस टॉपिक पर भी बात कर रही हैं या कर रहे हैं, सो आस्क ऑल द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ एंड देन आंसर योरसेल्फ। सवाल भी अपने आप से करें और उसके लिए जवाब भी ढूंढें कि ये सवाल मुझसे होगा और मैं ये जवाब दूंगा या दूंगी। तो जब आप जवाब देंगे तो फिर अपने आप से नेक्स्ट सवाल ये कर लें कि अगर यही इसी सवाल का ये जवाब मुझे मिल जाए सो वेदर आई विल बी सेटिस्फाइड और नॉट। अगर आपको खुद ही अपना आप जवाब दे दे कि नहीं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आंसर, सो उसके लिए फिर मुनासिब दूसरा आंसर तलाश कर लें। इसी तरह से यू विल गेट मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस बिकॉज यू आर आंसरिंग यूर क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड सेटिस्फाइंग योरसेल्फ। इसके लिए फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए आपके पास कि आप दूसरे के माइंड को रीड करें कि फला जगह पर या फला सेशन में या फला पैराग्राफ के अंदर ये सवाल मुझसे लाजमन फला बंदा करेगा या हो सकता है मुझसे कोई कर ले तो उसको मैं ये मुनासिब जवाब दूंगा या दूंगी। सो मेक योरसेल्फ कंसेप्चुअली क्लियर बिफोर गोइंग एनीवेयर। और इसके लिए आसान तरीका यह है कि अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो तो 5 P's, जिस तरह के 4 P's लेसन प्लान कहते हैं इस तरह प्रिपरेशन के लिए 5 P's है। और 5 P's है प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। दोबारा से मैं बता दूं, प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, कि अगर आप पहले से तैयारी कर लेते हैं तो आपकी कारकर्दगी कभी भी बुरी नहीं जाती। अब नेक्स्ट, ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स की अपनी अहमियत है और जो कंसेप्चुअल स्किल्स हैं इनकी अपनी। प्लीज दोबारा से रिपीट करते हैं। जी प्लीज। जिस तरह के 4 P's थे तो PPP, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन, इस तरह एक टीचर के लिए 5 P's आर वेरी मच इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए या कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। वो है प्रायर PRIOR, प्रायर प्रिपरेशन। प्रायर मींस पहले से करना, पहले से तैयारी करना। प्रायर प्रिपरेशन P2। सो आप पहले से जब आप तैयारी कर लेते हैं, प्रिवेंट्स
सो आपकी जाखलासी हो जाती है पुअर परफॉर्मेंस, किस चीज से? पुअर परफॉर्मेंस से। जब आप पहले से तैयारी करके जाते हैं तो कभी भी आपकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं जाती, लेकिन ऑन द स्पॉट जब आप एग्जांपल्स ढूंढते हैं, यानी यही स्लाइड अगर मैं एक्सप्लेन करूं एक जगह पे और दूसरी जगह पर बगैर प्रिपरेशन के चला जाऊं कि चले वो बातें मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन वो बातें आपने अपने आप को दोहराई ही नहीं, तो आपने प्रायर प्रिपरेशन नहीं की, तो ऑडियंस को फौरन से पता चल जाता है कि आप ना तो रिलेवेंट एग्जांपल्स दे रहे हैं और ना रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं। सो प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। बुरी परफॉर्मेंस को बचाने के लिए लाजमन पहले से ही तैयारी कर लिया करें। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज ह्यूमन स्किल्स। इनकी अपनी अहमियत है क्लासरूम मैनेजमेंट में। ह्यूमन स्किल्स मीन के क्लासरूम के अंदर आपके सामने रोबोट्स नहीं होते, कंप्यूटर्स नहीं होते जहां पे आप डेटा फीड करेंगे और ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ओवर देयर यू आर फेसिंग द ह्यूमंस, इंसान होते हैं, और हर बंदा हम वी पीपल से दैट ऑल आर इक्वल, लेकिन द रियलिटी इज ऑल आर डिफरेंट। नो टू ह्यूमंस आर इक्वल आर द सेम एट ऑल। कभी भी ये ना कहें कि तमाम इंसान बराबर हैं, बल्कि तमाम के तमाम इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। 40 बच्चे बेटे हैं तो 40 के 40 एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमंस। अब ह्यूमन स्किल्स ये है कि आपने 40 के 40 के मिजाजों को देखना है, 40 के 40 के बैकग्राउंड्स को देखना है, 40 के 40 के रिलीजियस एफिलिएशन को देखना है, 40 के 40 के जो सोशल स्टेटस है उनको भी समझना है, वगैरह वगैरह। सो व्हेनेवर यू आर टीचिंग एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू गिव एग्जांपल्स फ्रॉम देयर डेली लाइफ, इफ यू रिमेंबर हमने बात की थी एनालॉजी की, सो उनको समझाने के लिए आपने फिर वो मिसालें देनी है जो इन सब के साथ उनकी फेमिलियरिटी भी हो। उसके लिए आपने अपने क्लासरूम को क्या बनाना है? इंक्लूसिव बनाना है। इंक्लूसिव, व्हाट इज इंक्लूसिवनेस? इंक्लूसिवनेस मीन इंक्लूड से लिखना है, इंक्लूड माने शामिल करना। इंक्लूसिव क्लासरूम उसे कहते हैं जहां पर ईच एंड एवरी स्टूडेंट को आप इंक्लूड करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इंक्लूजन से मुराद ये है कि उनको ऑन बोर्ड लेते हैं। ऑन बोर्ड किस तरह से? हर बच्चे का मेंटल लेवल दूसरे से मुख्तलिफ, हर बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल एक दूसरे से मुख्तलिफ, हर बच्चे का सोशल बैकग्राउंड एक दूसरे से मुख्तलिफ, हर बंदे के अकायद शायद कोई ऐसे इलाके हों एक दूसरे से मुख्तलिफ, रिलीजियसली उनके एफिलिएशन शायद अलग अलग फिरकों वगैरह से हो एक दूसरे से मुख्तलिफ, यानी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स फ्रॉम विच दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स। तो जब आप क्लासरूम ले रहे हैं उसके अंदर आप इन सब चीजों का ख्याल रखें, हर बच्चे का ख्याल रखें, दैट इज कॉल्ड एन इंक्लूसिव क्लासरूम। फिर एक बच्चे को एक एग्जांपल से समझ आ जाएगी, दूसरे बच्चे को दूसरे से समझ आ जाएगी, तीसरे को तीसरे एग्जांपल से समझ आ जाएगी। तो आपने एग्जांपल्स ऐसे रखने हैं कि सबके सबको आप ऑन बोर्ड लें, सबको आप समझा दें, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिवनेस। अब ह्यूमन स्किल्स ये है कि आप सबको कंसिडर करें, सबको अहमियत दें, किसी को के साथ आप इम्तियाजी रवैया ना रखें। नंबर टू के इक्विटी पर आप बिलीव करें, इक्वेलिटी पे नहीं। इक्वेलिटी तो ऑलरेडी आपको पता है, इक्वेलिटी ऑल आर इक्वल। इक्विटी कहते हैं कि हर बंदे की नीड्स जो है मुख्तलिफ होती हैं और हर बंदे के नीड्स के हिसाब से उनको ट्रीट करना है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। हर बंदे की नीड्स मुख्तलिफ होती हैं, ऑल आर डिफरेंट, दे आर नॉट द सेम, ऑल आर डिफरेंट। तो हर बंदे की जब नीड्स मुख्तलिफ हैं, हर बंदे की जब रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ हैं, तो लाजिम बात है तो आपने उनको ओवरकम करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए आपने डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। एंड इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बी ए साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजी कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड बिहेवियर। दोबारा से मैं बता दूं, साइकोलॉजी मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ human actions and behavior. Scientific किसे कहते हैं? When there is जब आप दो मुख्तलिफ variables के बीच में ताल्लुक देते हैं तो उसको कहते हैं scientific approach. मिसाल के तौर पर if is equal to then it's called science. If अगर ये हो तो then ये होगा। इसकी एक आसान मिसाल
if w then mg होगा, if if then ma होगा, if s then vt होगा, अगर फिजिक्स के मिसाल दूं, अगर मैथमेटिक्स की मिसाल दूं, so if a plus b whole square तो उसे a square plus b square root 2a भी आ जाएगा, if a minus b तो उससे then ये आ जाएगा, इसको if and then कहते हैं। अब साइकोलॉजी कहती है कि if you treat a child this way then he will respond this way, if you treat him with love he will respond with love, if you treat him harshly he will respond harshly, number one interpretation. Number two be a psychologist की interpretation ये है कि हर बच्चे के जो actions हैं तो actions को देखने की बजाय उसके reason क्या है उन reasons को identify कर ले rather than उनके actions को देखना। बच्चा misbehave कर रहा है तो misbehavior पर उसको डांट नहीं बल्कि क्यों कर misbehave कर रहा है इसके reasons identify करें, इसको कहते हैं scientific और psychological approach। बच्चा आपको अटेंशन नहीं दे रहा तो उसको मारने की बजाय रीजंस आइडेंटिफाई कर ले कि क्यों कर आपको अटेंशन नहीं दे रहा। बच्चा जो है स्लीपी रहता है या व्हाट आर अदर थिंग्स, लेकिन उनको मारने पीटने की बजाय आइडेंटिफाई कर ले कि व्हाट आर द रीजंस। जब आप रीजंस को आइडेंटिफाई करते हैं इसके मुराद ये है कि आप एक साइकोलॉजिकल अप्रोच अपना रहे हैं। सो बी ए साइकोलॉजिस्ट। और द नेक्स्ट वन इज the last one, communication skills. 7 C's of effective communication. This tarah ke 3 P, 4 P's aur phir 5 P's the, to is tarah 7 C's bhi. Bas saathiyon ko awaaz kahi shuta to main dobara se bata dun. C1 is for completeness. Completeness se murad ye hai ki whatever the message you are going to, kyunki communication mein hum message hi convey karte hain. So jo bhi message aap convey karte hain kisi bhi bande ko, किसी भी लेवल पर, किसी भी स्टेज पर, किसी भी फोरम पे, इट शुड बी कंप्लीट। इनकम्प्लीट मैसेज ना दिया करें। और कंप्लीटनेस के लिए 3 रिक्वेस्ट्स हैं, द बिगिनिंग, द मिडल एंड द एंड। स्टार्ट से लेकर आखिर तक, स्टार्ट यानी ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट आप बिस्मिल्ला करते हैं या आगाज करते हैं, द बिगिनिंग होती है, फिर मिडल में आप एग्जाम्पल्स वगैरह देते हैं या कन्विंस करने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह देते हैं, और एट द एंड फिर कंक्लूड करते हैं। इस तरह से आपका मैसेज कम्प्लीट हो जाता है। So whatever you are going to communicate, it should be complete. Completeness के साथ साथ जो second C है, that is conciseness. Whenever you are talking to someone, whenever you are going to communicate to someone, use the least, sorry, conciseness means اختصار. Use the least number of words. Use the least number of examples. और जितने कम अल्फाज, कम मिसालों के जरिए आप बंदे को समझा सकते हैं, इट विल हैव अ वेरी गुड और बेटर इंप्रेशन एज कंपेयर टू व्हेन यू गो इनटू लेंथी डिटेल्स। सो लेंथी डिटेल्स को अवॉइड कर लिया करें और मुख्तसरन मुख्तसरन अल्फाज में अगर आप मैसेज को कम्युनिकेट कर ले तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा बेहतर है। कंसिडरेशन से मुराद ये है कि जिस बंदे से भी आपने बात करनी हो, क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, इससे पहले जो ह्यूमन स्किल्स थे कि नो टू इंडिविजुअल्स आर इक्वल, तो जिस बंदे से भी आपने बात करनी है, सो यू हैव टू कंसिडर दैट ऑडियंस। यानी बात करने के लिए यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्सन टू हूम यू आर कम्युनिकेटिंग। जिस बंदे से आपने बात करनी हो तो उसको कंसिडर करें कि इस बंदे को किस तरह से समझ आएगी, तो उसी के हिसाब से एग्जाम्पल्स, उसी के हिसाब से एक्सप्लेनेशन, यानी ऑडियंस को कंसिडर करें। नो टू इंडिविजुअल्स आर इक्वल, नो टू ऑडियंस आर इक्वल, नो टू क्लास रूम्स आर इक्वल और द सेम। सो ड्यू कंसिडरेशन of the audience. Number fourth, whatever you are going to communicate, you should be clear about the ideas, the concepts, the procedures, about the whole picture. You should be clear. जो भी करना चाहते हैं तो अपने जहन में सवाल, जो भी आपकी पिक्चर बनती है, चाहे वो कम्युनिकेशन के लिए हो, चाहे वो मेथोडोलॉजी के लिए हो, चाहे वो एक्टिविटी के लिए हो, चाहे वो आउटकम्स के लिए हो, चाहे वो एवियर्स के इस्तेमाल के लिए हो, it should be clear. पिक्चर आपके सामने बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वाज़े होनी चाहिए। वो एक क्लैरिटी, इट शुडंट बी जस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बल्कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट यू हैव टू बी क्लियर। कंक्रीटनेस से मुराद ये है कि बात करते हुए आप अगर मिसालें देते हैं तो सॉलिड मिसालें दिया करें, चीजों को जनरलाइज ना किया करें। और इसके मैंने एक मिसाल से पहले भी दोबारा से मैं रिपीट कर लूँ, कंक्रीटनेस कहते हैं कि अगर आप किसी बंदे के मुतालिक आप कोई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी बंदे पर मजमून लिखना हो या किसी बंदे को इंट्रोड्यूस करना ना हो,
और आप कहते हैं कि ही इज अ वेरी गुड पर्सन, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज अ वेरी नोबल पर्सन, बड़े काबिल बंदे हैं, बड़े शरीफ बंदे हैं. नाउ यू आर जस्ट यूजिंग द एडजेक्टिव्स एंड नॉट गिविंग एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एट ऑल. इसकी बजाय अगर आप कहते हैं कि दिस पर्सन इज एमए इंग्लिश और एमए फिल और पीएचडी अपने सारे, दिस पर्सन इज अ लेक्चरर, इज अ टीचर, इज अ हेडमास्टर अपने एक और प्रोफेशनली, इस बंदे की ये क्वालिफिकेशन है, आपने वो क्वालिफिकेशन बयान कर ली. नाउ व्हाट आर यू गिविंग? कंक्रीट इंफॉर्मेशन, कंक्रीटनेस, यानी आप चीजों को जनरलाइज ना करें करें बल्कि स्पेसिफाई कर लिया करें. स्पेसिफिकेशंस आप जब देते हैं दैट इज कॉल्ड कंक्रीटनेस, सॉलिड बातें कर लिया करें. और इसके लिए कल भी हमने एक बात कही थी कि आप जो भी बात करें तो बजाय इसके कि आप अपने ओपिनियन को ज्यादा से ज्यादा बयान करें तो रेफरेंसेस दिया करें, यूर words will be more solid then. The sixth C is The sixth C is courtesy. Courtesy means, okay, it's a very important one. The courtesy one. Courtesy कहते हैं शाइस्तगी को, कि आपने शाइस्तगी का दामन हाथ से हरगिज नहीं जाने देना. दोबारा से मैं बता दूं, कर्टिसी कहते हैं कि आपने शाइस्तगी का दामन हाथ से बिल्कुल जाने नहीं देना. अगर आप कहीं पे सेशन देते हैं, कहीं पे पढ़ा रहे हैं, या किसी कोई ऑडियंस आपके सामने बैठी है, सो नेवर एवर अंडर एस्टिमेट देम. आप कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट ना किया करें कि इनको कुछ भी नहीं आता, या ये बिल्कुल जो है इस सब्जेक्ट के मुताबिक या इस टॉपिक के मुताबिक कुछ भी नहीं जानते. नो, यू हैव टू गिव देम ड्यू रिस्पेक्ट, जितना भी हो सकता है उन अपनी ऑडियंस या अपने स्टूडेंट्स की इज्जत कर लिया करें. इसको कहते हैं कर्टेसी. यानी आप जब कोई मिसालें दें या कोई सवाल वगैरह करें तो सवाल इस गर्ज के लिए ना हो कि मैं अपना इलम इन पे वो बिठा दूं, दाग बिठा दूं कि मुझे बहुत कुछ आता, इनको कुछ नहीं आता, वो शर्मिंदगी फील करें. नो, अगर आपका बिहेवियर इस तरह से होगा कि आप अपने नॉलेज के बल पर दूसरों को नीचा दिखाएं और अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश कर ले, तो आपके अंदर कर्टिसी हरगिज नहीं है. बेहतर यह है कि आप हर बंदे के नॉलेज को अप्रिशिएट करें. एंड नेवर एवर अंडर एस्टिमेट एबिलिटीज ऑफ अदर पीपल. रिमेंबर, हर बंदे को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई खासियत दी होती है. आप में एक खूबी तो दूसरे के अंदर दूसरी खूबी होगी. सो बी courteous. द लास्ट वन इज करेक्टनेस. जो भी बोले ठीक बोले. कल भी मैंने बात की थी कि ऑथेंटिक सोर्स का इस्तेमाल कर लिया करें. आप जो भी इंफॉर्मेशन दें बिल्कुल करेक्ट दें, क्योंकि यू आर नॉट द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दीज डेज. विद इन सेकेंड्स आपकी बातों को लोग देख लेते हैं कि आप जो डिफिनीशन, अगर आपने किसी बंदे के साथ डिफिनीशन एसोसिएट कर ली कि फला बंदे की डिफिनीशन है, वो फौरन से देख लेते हैं, आपको बता देते हैं कि सर आप जो कह रही है तो फला की डिफिनीशन है. तो आप बहुत कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी बोलें ठीक बोलें, सही बोलें. कोशिश करें को जो फर्स्ट सोर्स हो, जिसको प्राइमरी सोर्स कहते हैं, जिन्होंने फिर पीएचडी किए हो, एक प्राइमरी सोर्स एक सेकेंडरी सोर्स, तो प्राइमरी सोर्स से आप डेटा इकट्ठा कर लिया करें, इट विल बी मोर यूजफुल. सो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कंप्लीट मैसेज, कम अज कम अल्फाज, दूसरों के जहनी लेवल का ख्याल रख के बी क्लियर, और कंक्रीट सॉलिड मिसालों से, और शाइस्तगी के साथ, और नरम मिजाजी. इफ यू रिमेंबर यस्टरडे हमने ये भी पढ़ा था कि हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, और करेक्टनेस, आप सही इंफॉर्मेशन दिया करें. टेक्निकल स्किल विल मेक यू मोर प्रोफेशनल, जबकि जो कंसेप्चुअल स्किल्स हैं इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस. क्योंकि जब आप क्लियर होते हैं, जहन में आपकी पिक्चर क्लियर होती है, फिर आप लोगों से कहते हैं कि मुझसे सवाल करें. लेकिन व्हेन यू आर नॉट क्लियर देन यू आर हेजिटेटिंग कि पीपल मे आस्क मी एंड व्हाट विल आई रिस्पॉन्ड रिप्लाई देन. सो कंसेप्चुअल स्किल्स विल गिव यू कॉन्फिडेंस. सो अपने आप को कंसेप्चुअली क्लियर कर लिया करें. ह्यूमन स्किल्स का फायदा क्या होगा? इट विल मेक यू फ्रेंडली एंड सोशली एक्सेप्टेबल. जो टीचर स्टूडेंट्स के मिजाज को समझता हो, तो स्टूडेंट उस टीचर के मिजाज को भी समझते हैं, और उस टीचर के साथ वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंक होते हैं, और उनके क्लास कंट्रोल भी बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है. उनको मार पिटाई किसी चीज की जरूरत नहीं होती, और वो सबके लिए सोशली एक्सेप्टेबल है. जो बंदा अपने आप से शुरू करता है वो कभी भी दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता. जो बंदा दूसरों से शुरू करके फिर अपने आप को उस रंग में रंग देती
कोशिश करता है वो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होता है. सो जो टीचर स्टूडेंट्स के मिजाज को समझे, ही इज मोर फ्रेंडली एंड सोशली एक्सेप्टेबल. कम्युनिकेशन स्किल्स का फायदा क्या होगा? इट विल हेल्प यू कन्वे द मैसेज प्रॉपरली. जो कहना चाहते हो वही मैसेज आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो. सो दीज स्किल्स विल एनेबल यू, दीज फोर स्किल्स, टू मैनेज द क्लासरूम प्रॉपरली. क्योंकि आपको टेक्निक्स भी आती हैं, आपको अपने सब्जेक्ट पर उबूर भी हासिल है, और आप लोगों के साथ ह्यूमन स्किल्स जिसको कहते हैं, या ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसमें इंटर और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी आ जाती है, सो वो भी आपको पता है कि बच्चों से किस तरह से काम लेना है, और यू आर डूइंग योर होमवर्क ऑन द एग्जाम्पल्स ऑन द इंटरप्रिटेशन एक्सेट्रा. सो योर क्लासरूम विल बी प्रॉपरली मैनेज्ड, एंड दैट्स क्लासरूम मैनेजमेंट. अब इस क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, यहां से आपको स्ट्रेटजीज और मेथोडोलॉजीज के बीच में बिल्कुल क्लियर का डिफरेंस भी नजर आ जाएगा. वो कौन सी हैं? दे आर टीचिंग स्ट्रेटजीज एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शन इन द सेंस कि आप लोगों को गाइड करते हैं हाउ टू डू दीज थिंग्स, इंस्ट्रक्शन देते हैं. नंबर वन इज कॉल्ड KWL. अगर ची बहुत सी है लेकिन जो ज्यादा इंटरेस्टिंग थी तो मैंने वहां से ले ली. यू कैन एड ऑल्सो अदर्स अगर आप कहीं से और आपको कुछ स्ट्रेटजीज मिल जाए. यहाँ से जस्ट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देनी है. एक स्ट्रेटजी जिसको KWL कहते हैं, K stand for know, W for want, and L for learned. Know, want, learn. What the students already know, ये हो गया K. Brainstorming के जरिए आपको पता चल जाता है, या brainstorming के अलावा, brainstorming से आपको पता चल जाता है, या diagnostic assessment जिस पर सो दो दिन बाद बात होगी, वहां से आपको पता चल जाता है कि व्हाट माय स्टूडेंट्स नो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड व्हाट दे नो. नंबर टू इज W. नो का तो आपको पता चल गया, फिर है W, ये देखना कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं और ये बच्चे पढ़ना क्या चाहते हैं, दैट इज द वांट. और एट द एंड व्हाट दे हैव लर्नड, जो असेसमेंट आप करते हैं. नाउ हाउ टू कंडक्ट दिस एक्टिविटी KWL. आप बोर्ड पर इसी तरह से, जिस तरह के मैं ये माउस है, इस तरह से 1 और 2 लाइंस ड्रा कर लें, या किसी पेज के ऊपर या किसी चार्ट के ऊपर 2 लाइंस आपने ड्रा कर ली. एक में K लिख लिया, एक में W लिख लिया, और एक में L लिख लिया. K में आपने लिखा के व्हाट दे नो, जो क्वेश्चन आंसर आपने किए किसी टॉपिक से मुतालिक, तो आपने बच्चों को कहा कि इसके टॉपिक के मुतालिक आप क्या क्या जानते हो वो लिख लें. तो आप बोर्ड पर भी ये लिख सकते हैं और बच्चों से भी कह सकते हैं कि बेटा अपने पेजेस पर इस तरह से 2 लाइन ड्रा कर लें, इस टॉपिक के मुतालिक आपको क्या क्या पता है वो लिख लें. उन्होंने लिख लिए. W में आ गए तो या बच्चों से कहें कि बेटा आप इस टॉपिक के मुतालिक क्या क्या सीखना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू लर्न, या आप अपनी तरफ से बता दें कि बेटा मैं ये चाहता हूं कि आप ये टॉपिक्स आज कवर कर ले जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं. W में आ गए. जब सेशन खत्म हो जाता है तो बच्चे से कहें कि बेटा आज आप लोगों ने जो कुछ सीखा, अब इस लर्नड, जो लर्न है, जो लर्न वाला पोर्शन है, इस लर्न के अंदर लिख ले कि आपने क्या क्या सीखा. इसको कहते हैं KWL. व्हाट दे ऑलरेडी न्यू, व्हाट दे वांटेड टू लर्न, और व्हाट यू वांटेड देम टू लर्न, एंड आखिर में व्हाट दे हैव लर्नड. इसको कहते हैं KWL स्ट्रेटजी. सो नंबर 1. अच्छा, यहां पे आप देखें कि यही चीज लेक्चर मेथड के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है, यही स्ट्रेटजी डिस्कशन मेथड के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है, यही स्ट्रेटजी जो लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन मेथड है उसके अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है. सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजीज एंड द मेथड्स. They were the universally accepted ways of doing things, and these are the plans. These are the plans, the activities. Okay, इसका मतलब ये है कि ये एक ही strategy मुख्तलिफ methods के अंदर इस्तेमाल हो सकती है. Number 2 is active lecturing. Active lecturing से मुराद ये है, इसके लिए जो general formula है वो ये है कि 10 minutes के lecture में 7 minutes आप lecture दें
और 3 मिनट्स आप क्वेश्चन आंसर के लिए रख के इट विल बी एन इंटरेक्टिव लेक्चर देना। ये 3 मिनट्स एट द एंड ऑफ 7 मिनट्स भी हो सकते हैं और ये बीच बीच में भी हो सकते हैं, लेकिन रेशो आपने 7 और 3 का मेंटेन रखना है। सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव लेक्चरिंग, यानी अपने लेक्चर को छोटे छोटे ओके साइमा वाजंट ऑनलाइन सो उनके लिए मैं KWL को रिपीट कर लूं। KWL मींस नो वांट लर्न। एक लाइन ड्रा कर ले इस तरह से और एक और इस तरफ से, एक में लिख ले K, एक में लिख ले W और एक में लिख ले L। K में लिख के बच्चों से कहें कि बेटा आज इस मिसाल के तौर पर पोल्यूशन एक टॉपिक है, बच्चों से कहें कि पोल्यूशन के मुतालिक आपको जो जो भी पता है वो नॉलेज में लिख ले, व्हाट दे नो, उन्होंने लिख लिए। फिर बच्चों से कहें कि बेटा आपको जो नहीं पता और आप जो जानना चाहते हैं पोल्यूशन के मुतालिक वो इस W वाले खाने में लिख लें, W। हर एक बच्चा अपने अपने पेजेस पे लिख ले। या आप उनको कहें कि बेटा आपको तो ये पता है लेकिन आज मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ, इसके दो इंटरप्रिटेशन है, आज मैं ये टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा, ये मेरे ऑब्जेक्टिव से वांट। थर्ड वाले में जब आपने लेक्चर दे दिया, सेशन खत्म हो गया, उनसे कहें कि आप अब इधर लिख के कि आज हमने क्या क्या सीखा। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं नो वांट लर्न या KWL। और बाकी मैंने बड़ी एक्सप्लेनेशन दी तो वो जो मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा वहां पर फिर दोबारा से देख लीजिएगा प्लीज। एक्टिव लेक्चरिंग से मुराद ये है, एक्टिव लेक्चरिंग से मुराद ये है कि अपने लेक्चर को, ये नहीं कि मुसलसल आप बोलते जाएं तो ऑटोमेटिकली द पीपल विल गेट टायर्ड। सो अपने लेक्चर को इंटरेक्टिव बनाने के लिए जो फार्मूला है तो वो ये है कि 7 और 3 out of 10, 10 मिनट्स में से 7 मिनट्स आपने बोलना है अगर लेक्चर दे रहे हैं तो, और 3 मिनट्स आपने उनको इन्वॉल्व करना है। इसमें आप एक्टिविटी भी दे सकते हैं, KWL वाली भी दे सकते हैं, या इससे नीचे जो और है वो भी दे सकते हैं, या उसमें क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपके आपको जो लेक्चर है इट विल बी मोर इंटरेक्टिव। सो 7 और 3 का रेशियो मेंटेन कर दिया करें अपने लेक्चर के दौरान। अब नेक्स्ट वन इज मिनट पेपर। ये कैलिफोर्निया में एक प्रोफेसर साहब थे तो उन्होंने ये मिनट पेपर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने कहा कि आप अपने लेक्चर के अख्तिताम पर कोई भी सवाल कर ले और बच्चों से कहें कि आपने 1 मिनट के अंदर अंदर इस सवाल का जवाब देना है। यानी वो जो पेपर है, ये जो टेस्ट है, ये जो क्वेश्चन है, पेपर को आप इस टेस्ट के कंटेक्स्ट में लीजिएगा कि आपने 1 मिनट के अंदर इस सवाल का जवाब देना है, इसको कहते हैं मिनट पेपर। इसी तरह से अगर आप एट द एंड ऑफ द लेक्चर नहीं तो 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद बच्चों से कहे कि मैंने जो बोला या हमने जो कहा, हमने जो पढ़ा, तो 1 मिनट के अंदर आप लिस्ट डाउन कर ले कि हमने क्या क्या अभी पढ़ा, इसको मिनट पेपर कहते हैं। या आपने जो पढ़ाया और आप कोई सवाल कर लें कि 1 मिनट के अंदर अंदर इस सवाल का जवाब मुझे दे दें, इसको भी मिनट पेपर कहते हैं। लेकिन वो जो एक्टिविटी है इट शुड नॉट लास्ट फॉर मोर देन 1 मिनट, दैट इज कॉल्ड मिनट पेपर। वो जो टेस्ट, वो जो टास्क आप दे रहे हैं जस्ट 1 मिनट के लिए हो, 1 मिनट के अंदर अंदर बच्चों ने करना हो। 1 मिनट का फायदा ये होगा कि वो एक दूसरे से पूछेंगे भी नहीं, यानी 1 मिनट इतना ज्यादा टाइम नहीं होता और ये सॉलिड सॉलिड बातें फोकस करके आपको लिख कर देंगे। पीयर रिव्यू आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लूं कि एक बच्चे ने कोई सारे क्लास को आपने काम दे दिया सारे बच्चों को और फिर बच्चों से कहा कि आप एक दूसरे के काम को चेक कर ले, इसको कहते हैं पीयर रिव्यू। अगर आपको याद हो तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो आखिरी जो हाईएस्ट लेवल था दैट वाज इवैल्यूएशन एंड इट्स द इवैल्यूएशन प्रोसेस के आप बच्चों से कहें कि आप एक दूसरे के काम को चेक करें, दैट इज कॉल्ड पीयर रिव्यू। सो जो भी टास्क आपने बच्चों को दे दिया तो, या इसकी एक और इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है कि आपने जो भी पढ़ाया फिर बच्चों से कहे कि आप एक दूसरे से पूछें, दैट कैन बी आल्सो बी अ पीयर रिव्यू। या उन्होंने जो लिखा एक दूसरे को चेक कर ले, जो मिनट पेपर है यही एक दूसरे को दे दें और ये चेक करके बता दे कि ये ठीक है कि गलत है, दैट इज आल्सो अ पीयर रिव्यू। So it can also be used as a strategy. Think, pair, share, जो मोस्टली अगर आप लोगों ने ट्रेनिंग्स वगैरह ली हो तो वहां पे TPS या think, pair, share strategy इस्तेमाल होती है। आप कोई सवाल फ्लोट करें
या कोई क्वेश्चन उनसे पूछे और उनसे कहे कि इंडिविजुअली आप इसके ऊपर थिंकिंग करें, हर एक बच्चा अलग अलग से थिंकिंग कर ले जवाब, फिर जब वो जवाब तलाश करें तो फिर और उसके साथ जो साथी बेटा हो तो उसके साथ पेयर बनाकर उसको डिस्कस कर ले। सो यहां से टू डिफरेंट ओपिनियंस एक साथ मिल जाएंगे और एक तीसरा ओपिनियन आ जाएगा, और फिर उनसे कहे कि हर एक पेयर अपने जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो सब के सब ऑडियंस के साथ शेयर करे, या सब के पूरी के पूरी क्लास के साथ शेयर करे। सो दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड थिंक पेयर शेयर, थिंकिंग इंडिविजुअली, देन वर्किंग विद अ पार्टनर, डिस्कसिंग द आइडियाज जो भी क्वेश्चन आपने दिया था, और फिर जो कंक्लूजन इनके पास आ जाती है या जो भी बात उनके पास आ जाती है उस सवाल के रिलेटेड, फिर वो सारी की सारी क्लास के साथ वो शेयर कर लें। इट इज कॉल्ड टीपीएस और थिंक पेयर शेयर। ग्रुप वर्क, हर एक की अपनी अपनी अहमियत है। ग्रुप वर्क ये है कि दो 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 से ज्यादा, अगर दो से काम ले रहे हैं तो इसको पेयर वर्क कहते हैं, अगर दो से ज्यादा बच्चों को या ऑडियंस को आप इकट्ठा करते हैं तो उसको फिर ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं। ग्रुप में टास्क दिया कर लिया करें, लेकिन ग्रुप में टास्क देने के लिए जो सिंपल, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि ग्रुप्स बना ले, तीन तीन चार चार बंदे। इफ यू आर अ ट्रेनर नेवर डू सच थिंग्स। जब आप ग्रुप्स बना लेते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिफाइन करके दिया करें कि यू विल बी, मिसाल के तौर पर कुछ जो आमतौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एक टाइम कीपर होता है जो वॉच की तरफ देखता है, जो अलॉटेड टाइम उसको देखता है, एक नोट टेकर होता है जो नोट्स लेता है, एक प्रेजेंटर होता है जो जिसने प्रेजेंटेशन देनी होती है, एक लीडर होता है जिसने सारी की सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना होता है, लीड करना होता है। सो ये फोर तो मैंने आपको फौरन से बता दी कि दीज आर द ग्रुप मेंबर्स। तो जब भी आप ग्रुप बनाए तो इवन बच्चों में से एक दफा एक प्रेजेंटर मुकर्रर करे, दूसरे को लीडर बना दे, तीसरे को नोट टेकर, टाइम कीपर वगैरह, इस तरह से ग्रुप्स बना दिया करें। सो वैरायटी भी आती जाएगी, एक दफा एक प्रेजेंट करेगा, दूसरे दफा दूसरे लीड करेगा, एक दफा एक लीड करेगा, दूसरी दफा दूसरा लीड करेगा। एंड इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, एज वेल एज बहुत से कॉन्सेप्ट्स हायर लेवल पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ग्रुप वर्क में या ग्रुप एक्टिविटीज में आप दे देते हैं, एंड इट्स सो मच ईजी देन। उसके लिए फिर जिग्सा टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग से रिलेटेड है इसलिए डिटेल में उनकी नहीं जाते। सो जब भी आप ग्रुप वर्क दें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दिया करें और डिफाइन कर लिया करें कि आपकी जिम्मेदारी क्या होगी। माइंड मैपिंग कहते हैं, ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट वन बच्चों के लिए, कि आप कोई भी टॉपिक उनको बच्चों को दे दिया करें और उनसे कहा करें कि इनसे रिलेटेड आपके जहन में जो जो भी बातें आती हैं तो सेंटेंसेस की बजाय वर्ड्स फॉर्म में, रिमेंबर रिपीटिंग अगेन, आपने मिसाल के तौर पर एक टॉपिक दे दिया और वहां पे लिखा एजुकेशन, तो बीच में आपने लिखा एजुकेशन। आप एजुकेशन के लिए माइंड मैपिंग जब आप करते हैं तो वो ये है कि एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें आती हैं तो आप इस तरह से क्रॉस लगाकर, लाइंस लगाकर हर एक के सामने एक एक वर्ड लिख लिया करें। मिसाल के तौर पर अगर एजुकेशन है तो यहाँ पे लिख लिया वुमेन एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, आपने तीन चार एरिया आइडेंटिफाई कर ली। नंबर वन, नंबर टू वुमेन एजुकेशन के आगे फिर लिख लें कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इससे फायदा क्या होगा मुल्क को, इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा वगैरह, इस तरह स्पेशल एजुकेशन है वगैरह वगैरह। सो दैट इज कॉल्ड द माइंड मैपिंग। ये तो अब हायर लेवल की बात थी। अब बच्चों के लिए है कि आपने कोई भी टॉपिक, उसी पोल्यूशन को ले लेते हैं, पोल्यूशन का लफ्ज, और उनसे कहें कि आपके जहन में जो भी बातें, कहते हैं प्लास्टिक बैग्स, आगे से कुछ लिख लेंगे कि गंद वगैरह जो हम फेंक देते हैं तो गंद गंदगी, आगे उन्होंने ये लिख लिया कि सीवरेज सिस्टम कमजोर है वगैरह वगैरह, इसको क्या कहते हैं, माइंड मैपिंग कहते हैं। और पोस्टर सेशन इसे कहते हैं कि आप बच्चों को टास्क दिया करें, अगर चाहिए पीएचडी लेवल पे पोस्टर सेशन या पोस्टर प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन बच्चों के लेवल पर पोस्टर प्रेजेंटेशन या क्या है कि उनको कोई भी टास्क दे दे, कोई भी असाइनमेंट दे दे। इफ यू रिमेंबर असाइनमेंट को हमने डिस्कस किया था, असाइनमेंट दिया करें या कोई प्रोजेक्ट वगैरह दिया करें कि वो एक चार्ट के ऊपर उस असाइनमेंट, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उन्होंने जितने भी पढ़ा हो, जितने भी चीजें देखी हो, तो उनको ग्राफिकल फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में वो लिख ले या नोट कर ले, और बच्चे फिर उनको मुख्तलिफ कॉर्नर्स में डिस्प्ले करके वो प्रेजेंट कर ले कि ये है, ये है, ये है, दैट इज कॉल्ड पोस्टर सेशन।
अब इसकी एक आसान मिसाल, आपने जो भी पढ़ाया, लेक्चर दिया, डिस्कशन कर ली, व्हाट एवर हुआ वेयर क्लासरूम के अंदर, उनसे कहें कि आज हमने जितनी भी बातें कर ली, कल इनसे रिलेटेड कोई पिक्चर्स वगैरह लेकर आए, कोई ग्राफ्स वगैरह लेकर आए और चार्ट के ऊपर डिस्प्ले करके फिर आप में से एक बच्चा उसको प्रेजेंट कर ले, दैट इज कॉल्ड द पोस्ट प्रिसिशन। अब कंक्लूड करते हैं और दोबारा से मैं बता दूं कि डिफरेंट टीचिंग मेथड्स के अंदर, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स के अंदर इनमें से आप कोई भी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दे आर यूज्ड इनसाइड, सो दीज आर द प्लानिंग्स, दीज आर द एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड। KWL, no one plan, already explained, और active lecturing, जहाँ पर आप कुछ वक्त के बाद बच्चों को attract करने के लिए question answer करते हैं या whatever else, minute paper, जहाँ पर एक minute बच्चों को देते हैं और उनको कहते हैं कि आप फौरन से किसी सवाल का जवाब देते हैं, लेते हैं उनसे, या उनको कहते हैं कि जो भी discussion हुई एक minute में वो सारे के सारे topics लिख लें। Peer review, जब दो बच्चों को आप कहते हैं कि एक दूसरे के काम को चेक करें। थिंक पेयर शेयर, बच्चा इंडिविजुअली सोचे, फिर अपने साथी के साथ पेयर बनाकर उनके साथ डिस्कस कर लें और फिर जो भी कंक्लूजन है तो वो सब बच्चों के साथ शेयर कर लें। ग्रुप एक्टिविटीज जब भी आप दें तो इस बात को जहन में रखें कि ड्यूटीज असाइन कर लिया करें, सिर्फ ग्रुप्स ना बनाए, ऐसा ना हो कि एक ही बंदा ऑल द टाइम डोमिनेटिंग। माइंड मैपिंग ये है कि कोई भी कंसेप्ट आपने पढ़ाया, उनसे कहें कि मिसाल के तौर पर जो भी टॉपिक पढ़ाया गया, यानी हर एक लफ्ज की आप डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं। वहां पे मैंने कहा कि जो भी टॉपिक है तो उनसे कहे कि उनसे मुस्तजीद आपके जहन में जो भी बात आ रही है। अब माइंड मैपिंग इन अनदर सेंस, कि आपने जो भी पढ़ाया उनसे कहे कि जो भी हमने डिस्कशन की इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उनके लिए माइंड मैपिंग करे कि क्या क्या चीजें आ गई। इस तरह से पोस्टर सेशन है कि जो भी आया तो पिक्टोरियल या ग्राफिकल फॉर्म में उनकी रिप्रेजेंटेशन कर ले, दैट विल बी अ पोस्टर सेशन। देन अगर CMFIL PhD लेवल पर आपने जो रिसर्च वर्क किया हो तो उसका एब्स्ट्रैक्ट वगैरह जाता है, उसकी फाइंडिंग्स वगैरह मुख्तलिफ पोर्शंस बनाए जाते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन की जाती है, आपके पूरी के पूरी PhD डॉक्यूमेंट जो 100-150 पेजेस का हो तो वो एक ही पोस्टर के अंदर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड पोस्टर कंपटीशन, पोस्टर सेशन। नाउ इट्स ओवर फॉर मी, होपफुली आज के दिन आपको स्ट्रेटजीज और मेथड्स के बीच में डिफरेंस समझ आ गई होगी। और टेक्निक्स का ये बता दूं कि अब ये KWL है तो, लेकिन आप करवाते किस तरह से हैं, दैट विल बी योर टेक्निक्स। एक्टिव लेक्चरिंग का आपको तो पता है कि इट्स अ स्ट्रेटजी, लेकिन हाउ यू डू इट, ये इट्स अ टेक्निक। मिनट पेपर का तो आपको पता है किस तरह से, लेकिन हाउ यू डू इट, इट विल बी योर टेक्निक्स। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।